नगर विकास सचिव विनय चौबे ने बताया कि अब तक राज्य में 4.5 लाख प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है। फिलहाल प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार फिर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। पर एक्चुअल नंबर्स करीब 7 लाख थे और उसमें से करीब 4.5-5 लाख लोग को हम लोग वापस ला चुके हैं अभी तक। और अंत की ओर जैसे 22-23-24 मई के आसपास जब हम लोग कर रहे थे तो कई लोग अपनी अनिच्छा व्यक्त कर रहे थे कि अब हम लोग नहीं आना चाहते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के जो नोडल ऑफिसर्स का जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा था, इनफैक्ट हरियाणा जैसे राज्यों ने तो लिखित में भी लिख के दिया है कि अब उनके यहाँ कोई नहीं है, तो हम लोगों ने फिर से एक और मौका देने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 28 मई से 3 जून तक एक सप्ताह पुनः, अभी भी यदि कुछ लोग इच्छुक हैं आने के लिए और फंसे हुए हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर पहले से भी कराएं तो दोबारा करा लें, था सो डैट कि राज्य सरकार ये कॉन्फिडेंट होकर कह सके कि अब इतने ही लोग आना चाहते हैं। 17,757 लोग पिछले 7 दिनों में ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हाँ वो लोग अमुक जगह में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है, और उनको लाने के लिए हम लोगों ने जो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई है उसमें जो दूरस्थ जगहों पर जो है दूर पे जहाँ पे ट्रेन है ज़रूरत है तो ट्रेन को हम लोग करेंगे, पास के जो राज्य है वहाँ से हम लोग बसेस से लाएंगे ऑलरेडी हम लोग जो रेलवे बोर्ड है उसको 10 और ट्रेन के आसपास की मांग भी हम लोग इन जो मजदूर जो हमारे भाई बहन जो बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए कर चुके हैं। और क्लोज किए